नमस्कार दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियों में यदि आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी कुल्लू और मनाली के साथ साथ रोहतांग पास का सफ़र करने के बारे में प्लान बना रहे हैं या आप लोग प्लान बना चुके हैं बस सफ़र ही करने वाले हैं, ऐसे में आज YT भारत पर मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ साथ आपको एक कुल्लू मनाली विद रोहतांग पास का वीडियो के दूसरे हिस्से में एक ऐसा टूर पैकेज बताऊंगा जो बेहद सस्ता है और जिसको बुक करवाने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। लगभग 5.5 सालों से ज़्यादा से आप इस ट्रैवल कंपनी के द्वारा पैकेज बुक करवा रहे हैं और अगर आपने अभी तक बुक नहीं करवाया है तो कुल्लू मनाली का टूर पैकेज आप इस ट्रैवल कंपनी के माध्यम से बुक करवा सकते हैं। GST रजिस्टर्ड ये ट्रैवल कंपनी होने वाली है और बिना सोचे समझे आपको गारंटेड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, आज चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर भी देखिए, नीचे यहाँ पर आपका सवाल भी आ रहा होगा और आपको मैं एक एक करके जवाब दूंगा। आज के मनाली Q&A वीडियो में मैं आपके 5 सवाल जो बहुत ही कॉमन होने वाले हैं इनका जवाब दूंगा और इसके साथ साथ 2 सवाल मैं आपके इंक्लूड और करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा जो सवाल इस टाइम पूछा जा रहा है वो है, क्या 5 साल से कम के बच्चों को हम अपने साथ ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या विदाउट एनी कॉस्ट? तो हाँ दोस्तों, आप 5 साल या 5 साल से कम के बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं, बशर्ते आपको वॉल्वो बस के अंदर सीट अलग से नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। आपको अपनी सीट पर खुद ही अकोमोडेट करना होगा और इस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों के साथ सफ़र कर सकते हैं। 5 या 5 साल से उनका कोई भी चार्ज होटल में नहीं लगने वाला है, चाहे वो फूड का चार्ज हो, चाहे वो स्टे का चार्ज हो, चाहे वो साइट सीइंग का चार्ज हो, कुछ भी एडिशनल उसमें ऐड नहीं किया जाएगा टूर पैकेज की कॉस्ट के अंदर। दूसरा सवाल जो इस टाइम बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इस वक्त लगातार दिन में कम से कम 100-150 कमेंट आ जाते हैं। दोस्तों एक ही सवाल आपको लोग पूछ रहे हो, लखनऊ से जाना चाहती हूँ, क्या करूँ? आप लखनऊ से जाना चाहती हैं तो आप एक ही काम करिए, आप दिल्ली आ जाइए या चंडीगढ़ आ जाइए, क्योंकि पैकेज यहीं से स्टार्ट होता है। आप कानपुर से जाना चाहते हैं, आप पश्चिम बंगाल से जाना चाहते हैं, आप नेपाल से जाना चाहते हैं, आप गाज़ियाबाद से जाना चाहते हैं, कहीं से भी जाना चाहते हैं, दोस्तों एक रूट आपको शायद मैंने कई बार बताया है, आज फिर से बताता हूँ, हिमाचल का एक ही रूट है आपका दोस्तों, जो आपका दिल्ली से जब आप चलोगे तो हिमाचल का रूट यहाँ से पड़ता है, या चंडीगढ़ से चलोगे तो हिमाचल का रूट यहीं से पड़ता है। जब दिल्ली से वॉल्वो बस चलती है तो आपकी सबसे पहले दिल्ली से निकलते हुए करनाल बाईपास जाती है, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, उसके बाद मंडी, उसके बाद कुल्लू और फिर सीधे पहुँचती है मनाली। तो रास्ते में चंडीगढ़ आ रहा है, रूट यही है। अगर कोई कहता है कि कश्मीर से हिमाचल का पैकेज दे दो तो आपको एक अलग वे में दिया जाएगा, और अगर आप लोग आते हो लखनऊ से तो भैया पहले दिल्ली आना होगा या चंडीगढ़ आना होगा, वॉल्वो बस यहीं से पिकअप करनी होगी और सीधे आप जाएंगे हिमाचल। अब एक सवाल मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ, लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या चंडीगढ़ से अगर हम पैकेज लेते हैं, दिल्ली से नहीं लेते हैं, तो क्या टूर पैकेज की कॉस्ट में कोई कमी आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी दोस्तों। दिल्ली से जो वॉल्वो बस चलेगी वो खाली 2 सीटें लेकर के चलेगी, या जितने नंबर ऑफ पर्सन आपने बुक करवाए हैं वो सीटें बिल्कुल खाली चलेंगी, सिर्फ चंडीगढ़ से आपका पिकअप होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, इसलिए टूर पैकेज कॉस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। अब आपके 5 सवाल मैं कवर कर रहा हूँ। नम्रता पांडे जी पूछ रही हैं, जो स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, कपल के लिए कैसे बुक करें, हमें 7 जून को जाना है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी के लिए भी बुक करें, कपल के लिए बुक करें, फैमिली, फ्रेंड, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, किसी भी लिए, चाहे आप एज अ कपल जा रहे हों, तो आपको सिर्फ इस वीडियो में, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर मैं हमेशा देता हूँ, आप जाइए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, सारी जांच पड़ताल करिए। वैसे तो यहाँ पे बेस्ट गारंटीड ट्रैवल कंपनियाँ जो सालों साल से लाखों लोग आपके पैकेज लेकर के जा चुके हैं, 100% सेटिस्फाइड रहे हैं, GST रजिस्टर्ड ये ट्रैवल कंपनी आपकी रहती हैं, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस YT भारत का है, आप इनसे पैकेज बुक करवा सकते हैं बिना सोचे समझे, सबसे कम दामों पर आपको YT भारत पर पैकेज दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नम्रता जी आप समझ गई होंगी, बस कॉल करना है जो नंबर आपको दिए गए हैं, या व्हाट्सएप पे बात कर लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर पिक नहीं होता है, कई बार हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, हाय आई नीड मनाली पैकेज, या इसके अलावा मनाली के अलावा इंडिया और इंटरनेशनल के बहुत सारे डेस्टिनेशन, कम से कम लगभग 70-80 डेस्टिनेशन YT भारत पर इस टाइम अपलोडेड हैं, आप उनमें से किसी का भी पैकेज चाहते हैं बस कॉल करिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में हमने नंबर दिया है, और बुक करवा सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं शबाब सैयद जी, आपके पूछ रहे हैं,
जून का कोई पैकेज बताओ जहां स्नो मिले। जो शवाब सैयद जी, इस टाइम आपको स्नो जो देखने को मिलेगी रोहतांग पास पर देखने को मिलेगी, बहुत जबरदस्त रोहतांग पास पर इस टाइम स्नो पड़ रही है। 24 मई को रोहतांग पास पूरी तरह से ओपन हो चुका था। आपको इस वक्त 20 से 30 फीट तक की स्नो पास, जो स्नो की दीवारें होती हैं, वो रास्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। रोहतांग पास पर भी बहुत जबरदस्त आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी, और आपका अगर भगवान मेहरबान हो गए तो आपको लाइव स्नोफॉल भी गिरती हुई देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। अगला थर्ड नंबर का सवाल पूछ रहे हैं मधु शर्मा जी, रोहतांग पास की एडिशनल कॉस्ट कितनी होगी? हमने हर वीडियो में बताई है, और आज तो मैं आपको विद रोहतांग पास का टूर पैकेज बता रहा हूँ। अलग से आप कॉस्ट लेंगी तो आपको 5-6 हज़ार रुपये के लगभग अभी पड़ने वाली है, जिसमें परमिट भी आपका रहेगा, जिसमें टैक्सीज भी आपकी रहेंगी, सब कुछ इंक्लूड रहेगा। आप 4 लोग कम से कम बैठ करके जा सकते हैं। अगर 2 लोग हैं तो उसमें बैठ करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ में पैचअप कर लेते हैं तो 4 लोग बैठ करके जा सकते हैं, कॉस्ट आप बचा सकते हैं। शोएब अख्तर जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, सर जनवरी का क्या प्राइस रहेगा? तो शोएब अख्तर जी, हालांकि अभी जनवरी का प्राइस हमने नहीं अपलोड किया है, फिर भी टेंटेटिव है कि लगभग 500 रुपये के आसपास पैकेज बढ़ जाएगा, लगभग 12,000 रुपये के आसपास एक कपल का पैकेज रहने वाला है। अगला सवाल पूछ रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह जी, मुझे 24-25 मई को जाना है, क्या वहां पर हमें डायरेक्ट कैब या बस मिल जाएगा? क्या हम 2 डेज में मनाली का टूर कंप्लीट कर सकते हैं? तो अभी दोस्तों, हालांकि अभी 28 मई हो चुके हैं, लेकिन ये आप लोग का भी सवाल रह सकता है, कॉमन सवाल है पुष्पेंद्र जी। 24-25 मई को अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कैब भी मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी, आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन जब आप टूर पैकेज बुक करवाते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें सस्ती होती हैं, हेडेक भी नहीं रहता है, आपको प्रॉपर टूर गाइड मिलता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस करी जाती है, तो आप करवा जरूर सकते हैं, लेकिन आपको महंगा पड़ेगा और असिस्टेंस भी नहीं मिलने वाली है। वहाँ पर जाकर के भी आप डायरेक्ट कैब बुक करवा सकते हैं, मनाली के मान रोड पर आप चौराहे पर खड़े हो जाइए, कैब भी मिल जाएगी, आराम से आपको घुमा देगी, बस रेट आपसे ज़्यादा लेने वाली है, और ट्रस्टेड भी नहीं होता है जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो ट्रस्ट का भी इशू रहता है। इसलिए आप हाँ डायरेक्ट बुक करवा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट का इशू है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी और कुछ भी हो सकता है, ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी या तो आप बुक करवा सकते हैं, सारा रिस्क आपका अपना रहने वाला है। दोस्तों, ये आपके 5 सवालों के जवाब के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अभी क्या चल रहा है रोहतांग पास या कुल्लू मनाली अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश करी। अब आपको कुल्लू मनाली विद रोहतांग पास के टूर पैकेज की डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें 3 नाइट आपकी मनाली में रहने वाली है, 2 नाइट आपकी वॉल्वो बस में बीतने वाली है। टोटल ये 5 नाइट 6 डेज का पैकेज हो जाता है। अगर आप 4 नाइट 5 डेज का पैकेज भी लेना चाहते हैं तो आप YT भारत पर बुक करवा सकते हैं, इससे की कॉस्ट वहां पर कम हो जाएगी। अगर आप हनीमून इंक्लूजन चाहते हैं तो 1000 रुपये में ऐड कर दिया जाएगा। मैं आपको आज नॉन हनीमून का इंक्लूजन के साथ पैकेज बताने वाला हूं। 25 मई से लेकर के 30 जून 2024 के बीच में ये रेट वैलिड होने वाले हैं। आपके लिए आइटनरी मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूं। डे वन पर सबसे पहले आप निकलेंगे दिल्ली से मनाली, आपका डिपार्चर रहने वाला है। रूट में आपको पहले से ही बता चुका हूं, लगभग 550 किलोमीटर की जर्नी होती है, 12-13 घंटे का लगभग सफ़र लेती है, लेकिन ये धीरे धीरे समय के अनुसार ये कम होती जा रही है। जैसे अभी किरतपुर टनल बन गई है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगभग 1-1.5 घंटा का आसपास कम हो गई है, आगे और भी बहुत सारी टनलों का निर्माण हो रहा है, तो ये आपकी जो दूरी तो वही रह गई है लेकिन समय कम होता चला जा रहा है। आगे आने वाले समय में आप दिल्ली से मनाली केवल 9 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो बहुत आसान आपका सफ़र रहने वाला है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है सफ़र में। मैं जब भी सफ़र करता हूं बड़ा एंजॉय आता है, बहुत इंटरेस्टिंग ये सफ़र रहता है। दिल्ली के मजनू का टीला से आप इस बस को पिकअप कर सकते हैं, वॉल्वो बस को, या आप आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन से इस बस को पिकअप कर सकते हैं। शाम को लगभग 5 बजे से वॉल्वो बस चलना स्टार्ट हो जाती हैं। जिस भी आप ट्रैवल कंपनी से बुक करवा रहे हैं या आप इस ट्रैवल कंपनी से बुक करवा रहे हैं तो लगभग 5:30-6 बजे आपकी वॉल्वो बस चलती है। एक बार आप ट्रैवल कंपनी से बुक कर लीजिए, आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाएगा। डे टू पर आप पहुंच जाएंगे मनाली के बहुत हसीन वादियों में। इस दिन सबसे पहले आपका मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से पिकअप होगा। ड्राइवर कम टूर गाइड आपको ड्रॉप करेगा होटल में। चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी करिए, उसके बाद यही ड्राइवर वापस आएगा, कॉल करेगा आपकी लोकल साइट सीइंग के लिए। इस दिन आप हडिम्बा देवी टेम्पल, वन विहार, तिब्बतन मॉनेस्ट्री, तिब्बतन टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, इन सभी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो मनाली के माल रोड के लगभग 5-6 किलोमीटर के दायरे के आसपास रहती है। क्लब हाउस के अंदर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। एंट्री का कुछ चार्ज रहता है, जैसे वन विहार में भी कुछ एंट्री का चार्ज है 20 रुपये के आसपास, तो आप यहाँ पर जा करके
बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर सकते हैं। इवन क्लब हाउस के अंदर तो रिवर क्रॉसिंग जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आप हडिम्बा देवी टेम्पल जाइए, जो 1553 में बना हुआ पगोडा आर्किटेक्चर है, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। माँ हडिम्बा देवी के दर्शन जरूर करिए जब आप जाते हैं इन जगहों पर। अब दोस्तों कुछ लोग का सवाल आता है कि अगर वो लोग टेम्पल कवर नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू रीज़न की वजह से, तो उन लोगों के लिए एडिशनल ऑप्शन है, आप टेम्पल स्किप करके आप अन्य जगहों पर जा सकते हैं। जैसे मनाली के माल रोड पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाएगी। वन विहार क्लब हाउस ये भी आप कवर कर सकते हैं, तो आपके रीज़न के हिसाब से उन चीज़ों को चेंज कर दिया जाएगा। ड्राइवर से बात करके आप इन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। डे थ्री पर आप जाएंगे मनाली से रोहतांग पास, अटल टनल, सोलांग वैली, सब कुछ आपका कवर रहने वाला है। इस दिन आपका फुल डे का टूर होगा। जितना जल्दी आप निकलेंगे जाम उतना ही कम मिलेगा और उतना ही ज़्यादा आप आगे की ओर जा पाएंगे। जितना लेट निकलेंगे उतना ही आप पीछे की ओर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है। तो कोशिश करिए सुबह सुबह 9 बजे निकल जाइए, 8:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करिए, जितना जल्दी हो सके निकल जाइए रोहतांग पास के लिए। आप अपने साथ सन ग्लासेस जरूर ले जाएं, स्नो ड्रेस हमेशा वहीं पर जाकर के लें। रास्ते में कोई भी आपको बोलता है स्नो ड्रेस ले लो तो आप मत लीजिएगा, 250-300 रुपये में आपकी स्नो ड्रेस मिल जाती है। और उसके साथ साथ जो स्नो शूज़ होते हैं वो वहीं पर आप रेंट पर ले सकते हैं, 50 रुपये के आसपास का रेंट होता है, 100-150-200 रुपये आपके एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जहाँ से लीजिए वहीं पर वापस करके अपने जूते पहनिए और निकल जाइए। इसके साथ साथ आप रोहतांग पास से घूमने वाले हैं, रोहतांग पास पर भी बहुत ज़बरदस्त स्नो पड़ रही है, और अगर आप स्नो का इदार करना चाहते हैं तो आपकी रानी नाला के आसपास भी बहुत ज़बरदस्त स्नो देखने को मिल जाएगी आपको। जो स्नो वॉल, बड़ी बड़ी जो स्नो की दीवारें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ों को अन्य भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे गुलाबा हो गया, रहाला हो गया, मरही हो गया, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। खोक्सर भी आपको देखने को मिल सकता है अगर रूट आपका अलाउ कर रहा है। इसके साथ साथ आप रोहतांग पास पर पहुंच करके बहुत सारी एडिशनल एक्टिविटी अपनी ऑन कॉस्ट पे कर सकते हैं। आप टायर राइड कर सकते हैं, आप जॉर्बिंग कर सकते हैं, आप क्रॉसिंग कर सकते हैं, आप एटीवी राइड कर सकते हैं, आप बंजी जंपिंग, आप एटीवी राइड कर सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ है रोहतांग पास करने के लिए। इसके बाद आप आएंगे सीधे अटल टनल, और अटल टनल के बाद आप आएंगे सोलांग वैली। सोलांग वैली में आप पैराग्लाइडिंग जरूर कर सकते हैं, 1500-2500 रुपये के आसपास पैराग्लाइडिंग होती है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सोलांग वैली के अंदर रोपवे राइड भी कर सकते हैं, जो आपको टॉप ऑफ द माउंटेन ले जाएगा और मनाली के आसपास का सारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप वर्ल्ड फेमस अटल टनल पर ज़रूर आप वहां पे विजिट करिए। आप एंट्री करेंगे सीधा आप नॉर्थ पोर्टल से और सीधा आप निकलेंगे साउथ पोर्टल पर, जो मनाली की साइड आपका पड़ता है। फुल डे का ट्रिप होता है लगभग, अगर आप मनाली के माल रोड से बात करें 51 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है आपका डिस्टेंस है, अगर हम बात करें रोहतांग पास की। लेकिन आपको वापस टाइम से आना चाहिए, लगभग 4-5 बजे के आसपास आप निकल जाइए और सीधे पहुंच जाइए 6 बजे तक अपने होटल में, क्योंकि जाम लाइक सिचुएशन बन सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डे फोर के बारे में। जिन आप जाएंगे मनाली से कुल्लू और मणिकरण, कुल्लू एडवेंचर कैपिटल के नाम से जानी जाती है, फेमस है व्हाइट रिवर राफ्टिंग के लिए। अभी आइडियल टाइम हो चुका है जब पहाड़ों पर स्नो इस टाइम मेल्ट हो रही है, और आपके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन है जब आप यहां पर जाकर के व्हाइट रिवर राफ्टिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ऋषिकेश की राफ्टिंग और यहाँ की राफ्टिंग में एक ही अंतर है, ऋषिकेश में आपको खुद पैडल जो है चलाने पड़ते हैं, और यहाँ पर क्या है आपको जो भी आपके गाइड होते हैं वो खुद आपको चलाते हैं पूरी नाव को, आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप बैठे हुए हैं और रोप को पकड़ करके बैठे हैं। ऋषिकेश के कंपेरिजन में ये बहुत सेफेस्ट होती है और बहुत फास्ट भी नहीं होती है, लेकिन आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। कुल्लू के अंदर ही रिवर राफ्टिंग होती है, इसके साथ साथ आप हॉट एयर बैलून भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइम अलाउ करे तो आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सीधे जाइए मणिकरण गुरुद्वारा, जो कसोल के बाद आपका पड़ता है। पूरा एंजॉय करने के बाद मणिकरण में गुरुद्वारे के दर्शन करिए, शंकर भगवान के दर्शन करिए। दुनिया का सबसे हॉट सल्फर स्प्रिंग वाटर का पूल यहाँ पर आपको मिलेगा, हालांकि अभी गर्मी है तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप अपने ऊपर छींटे मार सकते हैं, लंगर प्रसाद खा करके वापस लौटिए, सीधे पहुंचिए अपने होटल में। जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना ही जल्दी आप वापस पहुंचेंगे। डे फाइव पर आप निकलेंगे मनाली से दिल्ली, वॉल्वो बस की रिटर्न जर्नी होने वाली है, अगेन 550 किलोमीटर की जर्नी है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, 10 बजे तक सामान को पैक करके लगेज रूम में आप रख दीजिए होटल के, उसके बाद सीधे निकल जाइए मनाली के माल रोड पर अपनी ऑन कॉस्ट पर। फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ सामान परचेज कर लीजिए, लोकल फूड को ट्राई करिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं माल रोड पर, आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ की वाइब्स को, और उसके बाद सीधे निकल जाइए
अपनी वॉल्वो बस को कैच करिए और दिल्ली के सफर पर रख और दिल्ली के सफर पर अपनी मेमोरीज जो बहुत सुंदर आपने कैप्चर करी हैं आप वापस निकल जाइए। पैकेज में क्या क्या इंक्लूजन है आपका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मील प्लान के अंदर आपको ब्रेकफास्ट 3 मिलने वाले हैं, 3 डिनर मिलने वाले हैं। लंच टाइम में आप हमेशा बाहर रहते हैं इसलिए लंच इंक्लूड नहीं होता है। पिकअप एंड ड्रॉप मिलेगा मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड से। राउंड ट्रिप एसी सेमी स्लीपर वॉल्वो बस की टिकट मिलेंगी, दिल्ली या चंडीगढ़ से पिकअप होने वाला है और आपको साइट सीइंग के लिए कैब मिलने वाली है। दोस्तों आप लोग ये सारे सवाल करते हैं तो वीडियो के लास्ट में खास करके मैं इन चीज़ों को बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं पैकेज एक्सक्लूजन के बारे में, तो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कोई भी पर्सनल टाइप का खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी ट्रेन फेयर एयर फेयर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी एंट्री फीस एक्टिविटी चार्जेस में इंक्लूडेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको होटल कौन से मिल रहे हैं। हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है स्टैंडर्ड डिलक्स सुपर डिलक्स और प्रीमियम के अंदर। किसी भी ऑप्शन को आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन बेस्ट हैं, सारे में आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलने वाली है जो गारंटेड सर्विस है। स्टैंडर्ड पैकेज लेते हैं, बिना बालकनी का रूम मिलेगा, कलिंगा इंटरकॉन्टिनेंटल होटल मिलेगा। पैकेज कॉस्ट आपकी रहने वाली है स्टैंडर्ड पैकेज की दो लोगों के लिए 21,999 रुपये। अगर आप बात करते हैं चार लोगों के 36,999 रुपये और अगर आपके साथ 6 लोग हैं, क्योंकि समर वेकेशन हैं बहुत सारे लोग ग्रुप में सफर कर रहे हैं, कॉस्ट है मात्र 54,999 रुपये। डिलक्स पैकेज की बात कर लेते हैं तो आपके इसमें होटल मिलने वाले हैं डिलक्स में, कन्फर्म्ड व्यू रूम बट ओनली फ्यू रूम्स हैज बालकनी, शारदा क्लासिक या मनाली हेवन, या आपको होटल मिलने वाला है। कॉस्ट है 23,999 रुपये दो लोगों के लिए, चार लोग के लिए 40,999 रुपये और छः लोगों के लिए 59,999 रुपये की कॉस्ट आने वाली है। सुपर डिलक्स विद कन्फर्म बालकनी हिमालयन स्नो हाइट सन फ्लावर विला एम ए ग्रीन या इससे सिमिलर मिलेगा। सुपर डिलक्स रूम 25,999 रुपये दो लोग की कॉस्ट रहने वाली है, चार लोग की 44,999 रुपये और छह लोग की 64,999 रुपीज की कॉस्ट रहने वाली है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमियम विद कंफर्म बालकनी स्नो पीक एंड रिट्रीट रॉयल पार्क रिजॉर्ट या इससे सिमिलर मिलेगा। प्रीमियम में 31,999 फॉर 2 पर्सन, 4 पर्सन के लिए 56,999 और 6 पर्सन के लिए 84,999 रुपीज की कॉस्ट आने वाली है। दोस्तों ये सीजन की कॉस्ट है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि वाईटी भारत के पैकेज बहुत महंगे होते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सीजन के पैकेज के रेट्स हैं। जैसे ही आपका 30 जून क्रॉस करेगा ये रेट आपके कम हो जाएंगे। अभी सीजन का रेट चल रहा है इसलिए आपको कॉस्ट लिटिल बिट हायर दिख रही है, लेकिन ऑफ सीजन जैसे ही 1 जुलाई से या 15 जुलाई से लगेगा ये रेट फिर से कम हो जाएंगे। रेट आपके दो ही टाइम साल में जो है वो इंक्रीज होते हैं, 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में, या आपके 15 अप्रैल से लेकर के 30 जून या 15 जुलाई के बीच में रेट आपके ज़्यादा रहते हैं। सीजन लगा रहता है और पूरे इंडिया में ऐसे ही रेट बढ़ते हैं हर जगह के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप हनीमून इंक्लूजन चाहते हैं तो 1,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अगर मुझसे कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, लेकिन जो आप कॉस्ट के बारे में बात करते हैं या आप बात करते हैं कि आइटनरी एक बार बता दीजिए, तो दोस्तों वीडियो में कॉस्ट बताई है, होटल बताई है, आइटनरी बताई है, इंक्लूजन बताया है, एक्सक्लूजन बताया है, कैसे जाना है कैसे आना है सब कुछ बताया है। एक बार वीडियो प्लीज़ कम्प्लीटली देखिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप लोग के लिए इंडिया और इंटरनेशनल के अलग अलग कोने से इसी तरह की नई नई ट्रैवल संबंधी जानकारी लेकर के आता रहूं। और दोस्तों अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगला मिलता हूं, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बने रहिए वाईटी भारत पर। धन्यवाद।